इस्लामिक फाइनेंस का कॉन्सेप्ट जो है ये हमारे शरिया में किस तरह से निकल के आया और क्यों निकल के आया? कॉलोनियल पीरियड के बाद उसके जो हमारा फाइनेंशियल सिस्टम पाकिस्तान में बना, जो हमने इनहेरिट किया, तो उस लिहाज से मुसलमानों के अंदर एक बहुत ज़्यादा एक बेचैनी थी इस चीज़ की कि दे वांटेड टू फाइंड अल्टरनेटिव्स। उलमा जो थे वो एक तरफ फतवा तो दे रहे थे कि ये कन्वेंशनल बैंकिंग इज़ not Islamic, but then they had to come up with all that pressure. Typically interest rate जो है is a hedge against inflation. कुरान के अंदर बहुत strong यानी staunch warning है और वो one of the biggest sins में, और मज़ेदार बात यह कि सिर्फ इस्लाम में नहीं, जूडिज़म में, क्रिश्चियनिटी में और उसके इवन पहले के मज़ाहिब में कुछ ना कुछ मिलता है। US के अंदर तो इंटरेस्ट रेट वाज एट 3% फॉर ऑलमोस्ट 15 years, 20 years and inflation was roughly the same. अगर हम इकोनॉमिक हिस्ट्री को देखेंगे तो इकोनॉमिस्ट के नज़दीक एट टाइम्स 3% हैज़ बीन एक्स्ट्रॉर्डनरी इंटरेस्ट रेट। इस्लाम ये कहता है पहले डिसाइड कर लो कि आर यू इन द चैरिटी मोड और आर यू इन द बिजनेस मोड। एक हदीस में आता है कि अगर आपने 100,000 का, मतलब 100,000 तो मैं अपनी तरफ से कह रहा हूँ, लेकिन जिस भी अमाउंट का आपने किसी को लोन दिया तो इट इज़ एज इफ कि आप हर रोज़ 100,000 का सदका कर रहे हैं। तो इस्लाम में रिटर्न लेना इज़ नॉट अ प्रॉब्लम। हाँ, अनजस्टिफाइबल रिटर्न मैं ले सकता हूँ। शरिया के हिसाब से अनजस्टिफाइबल नहीं होना चाहिए। तो व्हाट शरिया कॉल्स अनजस्टिफाइबल, मुदारबा या मुशारका, ये दोनों प्रॉफिट पार्टिसिपेशन बेस्ड है, यानी आप जो भी इन्वेस्ट करते हैं तो यू शेयर द बॉटम लाइन विद योर पार्टनर्स। फॉर एग्जांपल कन्वेंशनल में ये पॉसिबल है कि उसने अभी आपको पेमेंट की है, अभी गाड़ी आपके हाथ में नहीं आई, उसने आपसे रिटर्न लेना शुरू कर दिया। यहाँ हम कहते हैं उसके हाथ में गाड़ी आ जाए और गाड़ी वो यूज़ करने लग जाए, अब उसकी उजरत या रेंट देगा। So that's legitimate. And are they as popular as the, let's say, non-Islamic securitized products in the market? देखिए, अब वो एक सेगमेंट तो है ना जो रिफ्यूज़ कर देता है कि मैं करना ही नहीं है ना। तो अभी एक सर्वे हुआ था, चार्ट का सर्वे था, थोड़ा सा पुराना सर्वे, तो उन्होंने कहा अगर आपको इस्लामिक दिया जाएगा हाउस फाइनेंस के लिए और नॉन इस्लामिक यानी कन्वेंशनल दिया जाएगा तो 85% लोगों ने कहा वी विल प्रेफर इस्लामिक। वो जो एक हिकमत है ना, विजडम है, कि विजडम क्या था पोर्क के हराम होने का। हमें एट द एंड ऑफ द डे पता है कि पोर्क का होना ही हमारे लिए कुरान में जो इंजंक्शन आई है उसके लिए काफ़ी है।